Student, open your math book exercise 7A. In this video, I'll teach you question number 8. So, question number 8, likh lijiye copy mein. So, see here, question number 8 given. Find the value of x and y. We have to find value of x and y in this question. So, इसको आपको x और y जो दिया इसको p मान लीजिए, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, और ये p a का भी वैल्यू होगा और ये p b का भी वैल्यू होगा, ये दोनों का वैल्यू है, p a और p b भी होगा, तब हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग सॉल्व लिखेंगे तो लेंगे, लेट द पॉइंट p x कॉमा y फ्रॉम a माइनस 3,0 एज वेल एज फ्रॉम b 3,0। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग पी ए इक्वल टू 4 एंड पी बी इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आप लोग क्या काम कीजिएगा, आप में इसको ले लीजिएगा पी ए को, तो ये एक्स वाई और ये माइनस 3,0, ये आपका एक्स वन कॉमा वाई वन हो जाएगा, ये एक्स टू कॉमा वाई टू हो जाएगा। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला सबको पता होगा, पी ए इक्वल टू रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन होल्डिंग स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल्डिंग स्क्वायर। तो नेक्स्ट टाइम पी ए इक्वल टू रूट ओवर, तो एक्स टू कितना है हम लोग के पास, इसको इसे माइनस कर देना है, माइनस 3 माइनस एक्स होल्थिंग स्क्वायर प्लस, फिर आपको इसको 0 माइनस वाई होल्थिंग स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूला में जाएगा, ये फॉर्मूला में नहीं जाएगा क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व हो जा रहा है ये, लेकिन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जो सॉल्व नहीं हो पाता है वो आपका क्या मिल जाता है, फॉर्मूला मिल जाता है। तो ए माइनस बी होल्थिंग स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल्थिंग स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन give in plus sign in place of p a, you have to write 4 equal to ये आपका फॉर्मूला में जाएगा, तो माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा तो वाई स्क्वायर, इसका आपको जाएगा 4 इक्वल टू रूट ओवर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू माइनस 3 9 प्लस 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 3 टू 6 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रूट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग का स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो नाउ राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड कॉमा यू गेट इम्प्लाइज साइन, इसको ब्रैकेट में रखना है, कीप इन ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा 4 स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी ब्रैकेट में रखना है, तो ब्रैकेट में रख के स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा इक्वल टू, रूट कैंसिल हो जाएगा तो 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसको इधर लेके आना है, दिस 9 कम इन लेफ्ट हैंड साइड, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 16 माइनस 9 7 इक्वल टू 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन 1। नाउ अगेन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका पी बी का आप सॉल्व होगा, तो पी का एक्स कॉमा वाई और बी का 3,0, ये एक्स वन वाई वन हो जाएगा, ये एक्स टू वाई टू हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पी बी इक्वल टू रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन होल्थिंग स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल्थिंग स्क्वायर। तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स होल्थिंग स्क्वायर और 0 माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए, और उसका जगह 4 भी बैठा देना है, किसका जगह में आपका, पी वी का जगह में आपको 4 बैठा दीजिए, और ये तो होल्थिंग स्क्वायर प्लस 0 माइनस वन होल्थिंग स्क्वायर, तो हम बता ही दिए थे आपको। तो नेक्स्ट टाइम का 4 इक्वल टू रूट ओवर, ये आपका माइनस नहीं होता है तो फार्मूला में जाएगा, अभी हम दिए माइनस का फार्मूला, तो क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाए तो वाई स्क्वायर, ये 4 इक्वल टू रूट ओवर 9 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कॉमा यू गेट। तो नेक्स्ट लाइन होगा 4 स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लेना है, स्क्वायर कर देना है, इसका 4 इंटू 4 16 हो जाएगा इक्वल टू, रूट कैंसिल हो जाएगा 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसको इधर लेके आना है, दिस 9 कम इन लेफ्ट हैंड साइड, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो 7 इक्वल टू माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब सब्सट्रैक्टिंग 1 एंड 2 करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कॉमा यू गेट, तो पहला इक्वेशन 2 का ये 7 को इक्वेशन 1 का, इक्वेशन वन का ये 7 से आपको क्या करना है, माइनस, तो 7 माइनस 7 लिखना है, फिर उसके बाद इक्वेशन 2 का ये लिखना है, फिर माइनस का साइन देना है, फिर ब्रैकेट में इक्वेशन 1 को लिखना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 6x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर
plus y square is equal to remove करेंगे तो minus 6x minus x square minus plus minus y square इसका तो जीरो हो जाएगा फिर इसका ये कैंसिल हो जा रहा है ये इससे कैंसिल हो जा रहा है ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना जाएगा minus 12x तो x equal to 0 by 12 तो x equal to 0 now putting the value of x 0 x equal to 0 in equation 1 comma you get अभी x equal to 0 in equation 1 में बैठाना है तो हम लोग का equation 1 क्या है equation 1 क्या है हम लोग का ये है तो इसको लिखना है हम लोग को तो ये लिख लेंगे अच्छा से 7 equal to 6x plus x square plus y square तो ये 7 equal to x को remove करेंगे तो 0 बैठाएंगे plus यहाँ भी 0 बैठाएंगे x का जगह भी y square ही होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा जीरो ही होगा ये भी जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y square equal to 7 ये y square equal to 7 तो y equal to ये square कहाँ जाएगा आपका equal to को इधर ये square कहाँ लेके आना है आपको equal to को इस तरफ लेके आना है this square come right hand side तो क्या बनेगा आपको it make root तो क्या हो जाएगा ये square अगर equal to को इधर आ गया तो क्या बनेगा root और जब रूट बनेगा तो ये प्लस माइनस भी लिखना है आपको तो रूट सेवन मिल गया तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट सेवन ये हो गया आपका आंसर थैंक यू